हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि प्रोज और पोइट्री होता क्या है और ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं। अलग अलग नाम हैं, यानी कि दोनों में कुछ तो बात अलग होगी। तो दोस्तों, और कुछ जानने से पहले आपको बता दूं, प्रोज इस तरह से लिखा होता है, यानी कि पैराग्राफ फॉर्मेट में, बिल्कुल सीधा सीधा, कोई झंझट नहीं, खुद से पढ़कर समझ सकते हैं। किसी भी लिखावट को प्रोज का नाम तब देते हैं जब वो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखी होती है, और पोइट्री उसके अपोजिट, यानी कि स्टेंजा फॉर्मेट में। ये थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, जिसको अक्सर हम टीचर की हेल्प से समझते हैं। अब ये तो एक तरीका हो गया किसी भी राइटर या किसी इंसान की लिखावट के जरिए कही गई बातों को पहचानने की, पर ऐसा नहीं है कि हर इंसान अपनी बातें एक तरीके से कहना चाह रहे हो। इसलिए प्रोज और पोइट्री के अलग अलग टाइप होते हैं। अगर हम प्रोज की बात करें तो बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, लेटर, एप्लीकेशन, नॉवेल, ड्रामा, एसे, ये सब प्रोज के टाइप में गिना जाता है। और ऐसा क्यों होता है, इसका एक ही जवाब है, ये सब पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा होता है। यानी कि प्रोज को हम जानेंगे उसके पैराग्राफ फॉर्मेट लिखावट से। इसके बाद पोइट्री की बात करें तो वो भी प्रोज की तरह अलग अलग टाइप की होती है, लेकिन सब में एक ही चीज़ कॉमन होता है और वो है स्टेंजा। पोइट्री के किसी भी टाइप में स्टेंजा होगा ही, जैसे कि सटाइर, सोनेट, ओड, बैलेड, ये सब पोइट्री का टाइप है। इन सभी टाइप में स्टेंजा होगा ही, क्योंकि पोइट्री का टाइप है। लेकिन सबके नाम अलग अलग हैं, इसका मतलब है कुछ तो सब में अलग होगा। पोइट्री हो या प्रोज, दोनों के टाइप में नाम अलग अलग है, इसका मतलब है कि सब में कुछ न कुछ नया होगा, अलग होगा। अब क्या अलग है इन सभी टाइप में, जिसकी वजह से अलग अलग नाम से जाना जाता है, इन सभी बातों को अगले वीडियो में कवर करेंगे।